माता चंद कौर वेलफेयर एंड जस्टिस सोसाइटी की ओर से गदईपुर स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने प्रशासन और सीबीआई के समक्ष माता चंद कौर जी के कत्ल केस की गुत्थी को सुलझाने की अपील की। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि 7 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक माता चंद कौर के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से संतों के मन में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। इस अवसर पर कमेटी प्रधान मास्टर सुखदेव सिंह, मास्टर इकबाल सिंह, सचिव हरदीप सिंह, मास्टर सुखविंदर सिंह, नंबरदार बलवंत सिंह, अमरीक सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान दया सिंह, जागीर सिंह, पलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, संत महेंद्र सिंह, मक्खन सिंह, भगवंत कौर, बलिंदर सिंह, बबलू शर्मा, कमलेश गुप्ता, तरसेम सिंह लक्की, प्रेम सिंह, रमनप्रीत कौर, राजपाल कौर भी मौजूद रहे। कि करतार सिंह को भी अपना वैपन जड़ा सिक्योरिटी वास्ते वैपन है, जदों आए ने लाडी को भी वैपन आया सी, उन्हूं क्यों हटा दिता गया जी? ये शक के घेरे च आउंदा। फिर वह जदों माता जी उत्थे आए ने, वह जड़े मारन वाले लोग सी, उन्हां नूं किदां पता लगा रात नूं माता जी इत्थे भैणी साहब आ गए ने? और रात आए ने, पिछले पैर को रात आए ने, तो सवेर नूं 10 बजे दिन दिहाड़े 10 बजे उन्हां दा कतल हो जांदा, एक शक के घेरे च आउंदा। उत्थे इनवैसटीगेशन जांदी ही नहीं। मैनू तो यह नहीं समझ आता कि किस प्रभाव के थले जड़ियां साड़ियां एजेंसियां ने जड़ियां इनवैसटीगेशन कर दियां ने, वो एजेंसियां किहड़े प्रभाव के थले पुठे पासे नूं होर ही पासे नूं लै के जांदे, जिन्हां दा कोई नां नहीं थे नहीं विच, उन्हां नूं फड़ के उन्हां ते तशद्दुद किया जाता। आम आदमी पार्टी की ओर से अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से नव नियुक्त किए गए चेयरमैन अशोक तलवार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी संबंधी वाहेगुरु जी के समक्ष नतमस्तक होकर शुक्राना अदा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक तलवार ने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा गुरु नगरी की सेवा करने का जो मौका मिला है उसे वे पूरी तनदेही से निभाएंगे। नगर सुधार ट्रस्ट सिर्फ नाम का सुधार नहीं बल्कि असल में भी पूर्ण तौर पर सुधार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गुरु नगरी के लोगों और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो पहला मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा करना आई है, जिन्होंने बड़ी बख्शिश की हैगी है, तो अपने गुरु घर की सेवा का मौका मिले है। तो मेरा तो आही प्रयास रहेगा कि गुरु की नगरी है, सेवा का मौका हैगा, तो तय दिली जिनी अपने तो समर्था हो वाहगुरु बख्शिश करे तो उन्होंने निभावे, तो शहर में एक बहुत खूबसूरत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इंप्रूव करना है, शहर में अमृतसर में इंप्रूव करना है, वाहगुरु समर्था देगा तो तुम देखोगे कि बहुत जल्द चंगे रिजल्ट मिलेंगे शहर में। राज्य भर में हो रही बेमौसमी बरसात ने किसानों को परेशान कर दिया है। बरसात ने किसानों की 6 महीने की अथक मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आलम यह है कि जो गेहूं की फसल धरती पर बिछ गई है और अब यह अंकुरित होनी शुरू हो गई है। नाभा ब्लॉक के गांव के नज़दीक किसानों की फसल अंकुरित होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी गिरदावरी के लिए नहीं भेजा गया। किसानों ने मांग की है कि इलाके में सरकारी अमले की कमी होने के कारण अभी तक गिरदावरी नहीं हो पाई है, जिस कारण सरकार सैटेलाइट के माध्यम से गिरदावरी करवाए, नहीं तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। तकरीबन सारी कणक खराब हो चुकी है, ना तो खाण योग है, ना पशुओं के खाण योग है, तो तूड़ी का भी ये ना तूड़ी बननी है, ये तकरीबन 100% खराब हो चुकी है। तो सरकार ने जो 15,000 रुपया क्या ऐलान किया, 15,000 रुपया तो साढ़ा इस कणक के खर्चा ही आ गया, तो असी मंग करते हैं भी 15,000 रुपये के ना अद्धा ठेका जो कि 6 महीन का बनता, क्योंकि ये कणक जी 6 महीन की फसल आ, भी अद्धा ठेका नाल 15,000 दे जोड़ के मुआवजा दे। तो ये इन्होंने स्लैबा जो रखिया ने भी 0 to 25% पहले स्लैब होंगी सी, भी जे खराबा हों 2,000 रुपया मुआवजा दिता जाता है, हूँ इन्होंने स्लैब वो बढ़ा के 0 to 33% करती है, जो कि सरासर किसानों का धक्का है। तो ये मैं कहना चाहना वा जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी इस वे मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि यह जो भोजन सुरक्षा का मामला है, जेकर यह फसल घट होंगी है तो भुखमरी पड़ेगी, भुखमरी पैन जिवें कि पाकिस्तान आप सुनते हैं कि 2,000 रुपये किलो आटा है, वह जी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं भी 10% मजदूरों को देवे असी।
आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में 29वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर यज्ञ के मुख्य यजमान पवन मल्होत्रा एवं श्रीमती रजनी मल्होत्रा, अमन आर्य एवं नूर आर्य, रंजीत आर्य एवं अनु आर्य ने पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर यज्ञ में आहुतियां डाली। यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित शिवा शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ को संपन्न करवाया। गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया। इसके बाद आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर राजेश सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, यश राघवेंद्र, अक्षय, पवन शर्मा, हरिश्चंद्र, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, तरुण बाहरी, मित्र गुप्ता, वेद भाटिया, संदीप अरोड़ा, सुमित भाटिया, राजीव शर्मा, अनिल मिश्रा, ज्योति, अमित सिंह, बबलू यादव, केवल कृष्ण चोपड़ा, नवनीत शर्मा, उषा कालिया, रेवा खन्ना, ललित मोहन कालिया, सुरेश ठाकुर, नवीन कुमार चावला, डिंपल भाटिया, रजनी सचदेवा, तान्या शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुनीता रानी, पवन महाजन, आर्य संगीता, शादीलाल, वेद कुमार भाटिया, विजय भाटिया, सतीश कुमार, अनिल कोहली, गौरव आर्य, अमरनाथ, प्रदीप शर्मा, माही, मंजू देवी, गीतिका अरोड़ा, संदीप अरोड़ा, पूनम मेहता, ओम प्रकाश मेहता सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित राजकुमार तिवारी जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसके पहले दिन भागवत प्रवक्ता सचिनानंद गुरु रूपेश जी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनाकर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पहले दिन की कथा का रसपान उपस्थित भक्तों को करवाते हुए कहा कि संसार में भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व एवं संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राठौर, रमन पब्बी, पूर्व विधायक कृष्ण देव भंडारी, आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान अरविंद घई, डीएवी मैनेजिंग कमेटी के सचिव अजय गोस्वामी, राकेश भगत, सुभाष आर्य, रंजीत आर्य, हर्ष लखनपाल ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रसिद्ध कथावाचक संदीप आर्य ने यज्ञ की महिमा, ऋषि मुनियों के सुंदर संदेश दशरथ के विषय में और गुरु वशिष्ठ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया और समाज के प्रधान रंजीत आर्य जी ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर राजेश सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, यश राघवेंद्र, अक्षय, पवन शर्मा, हरीश चंद्र, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, तरुण बाहरी, मित्र गुप्ता, वेद भाटिया, संदीप अरोड़ा, सुमित भाटिया, राजीव शर्मा, अनिल मिश्रा, ज्योति, अमित सिंह, बबलू यादव, केवल कृष्ण चोपड़ा, नवनीत शर्मा, उषा कालिया, रेवा खन्ना, ललित मोहन कालिया, सुरेश ठाकुर, नवीन कुमार चावला, डिंपल भाटिया, रजनी सचदेवा, तान्या शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुनीता रानी, पवन महाजन, आर्य संगीता, शादीलाल, वेद कुमार भाटिया, विजय भाटिया, सतीश कुमार, अनिल कोहली, गौरव आर्य, अमरनाथ, प्रदीप शर्मा, माही, मंजू देवी, गीतिका अरोड़ा, संदीप अरोड़ा, पूनम मेहता, ओम प्रकाश मेहता तथा अन्य नगर निवासियों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बोलो जरा, नहीं, कथा में आने का समय नहीं है, यज्ञ में आने का समय नहीं, सत्संग में आने का समय नहीं, और कुछ तो मेरे प्यारे श्रोतागणों रिकॉर्ड ही तोड़ दिया करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास में तो मरने का भी समय नहीं, मरने का भी समय नहीं, यानी कि मरने का समय भी उनको लेना पड़ेगा परम पिता परमात्मा से उधार। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? समय भी गलत नहीं देता है कि कुछ बताता हूं, लेकिन चार पांच बातें कहूंगा, ध्यान से सुनना। मैं प्रश्न करता हूं आप सबसे, आप ईमानदारी से अपने सीने में हाथ रख करके मुझे बताना कि अपने ईसाई भाई बहनों की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? तो सबको कंफर्म होगा क्या नाम है? भाई परिवार कंफर्म, कोई डाउट नहीं होगा। मैं पूछूं अपने मुस्लिम भाई बहनों की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? कुरान पे डाउट तो नहीं है आपके मन में? कंफर्म है ना? सिख भाई बहनों की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? अब ईमानदारी से कोई डाउट तो नहीं था इन तीनों प्रश्नों में? मैंने कंफर्म आंसर दिया। अब आओ अपने बात पर। अब यह बताओ ईमानदारी से, हमारी सनातन संस्कृति या वैदिक संस्कृति के दो तीन व्यक्तियों को छोड़कर के बताओ कौन सा ग्रंथ का क्या नाम है अपने ग्रंथ का? भाई प्रश्न का उत्तर दो मुझे। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण।
अब देखो मैं यही जानना चाह रहा था, आप अपने धर्म के ग्रंथ में लेकर के कितने कंफ्यूज हो, एक मत नहीं हो। मैंने प्रश्न दूसरे रिलीजियस से किया, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं था। जैसे मैंने कहा उनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो आपका एक स्वर में एक ही आंसर था, तो उनकी पावन पुनीत पुस्तक का नाम है। अब विचार करके देखो, हम सनातनी या आर्य इस स्टेज पर खड़े हैं, हमें अपनी धर्म की एक मत एक पुस्तक का नाम तक कंफर्म नहीं है। हम विचार करके देखें कितना बड़ा प्रश्न वाक्य है हम सब पर। देखो अब मैं बताता हूं, मैं कई बार कथाओं में पूछा करता हूं तो कोई कहता रामचरितमानस, तो मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता हूं, अच्छा भगवान राम ने क्या पढ़ी होगी। फिर कोई भागवत कह देता है तो मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ने क्या पढ़ी होगी, क्योंकि भागवत तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के वन पर्व में कही है, सबको पता है। उत्सव आर्यमास में हमने ज्ञान ज्योति पर्व का रूप में हम मना रहे हैं। ये पर्व हमारा महर्षि दयानंद के 200 साल जो उसकी श्रृंखला की घड़ी में ये कार्यक्रम है। कई बार विचार करते हम उस घड़ी में, आज हमने प्रातःकाल के समय हमें हमारे जज ब्रह्मा शिवा शास्त्री जी आचार्य जी इन्होंने के मुखारवि से वेदों के जो उन्होंने जिस प्रकार वेदों के मंत्रों का उच्चारण बहुत ही सुंदर सरल भाव से बहुत ही अच्छे ढंग से जज करवाया। आप सायंकाल के आपने भगवान राम का, लोग कहीं तो कहते हैं कि आर्य समाज राम को मानता है, अरे आर्य समाज राम को जितनी अच्छी तरह मानता कोई नहीं मानता होगा। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड चालंदर में 36वां वार्षिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अमृत लता देवी जी महाराज दीनानगर वालों ने सभी भक्तों को प्रभु की कथा की महिमा से अवगत करवाया और अमृतमय कथा की वर्षा की। इस कथा की अध्यक्षता करते हुए पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सिया शरण दास जी महाराज ने बताया कि यह कथा 3 अप्रैल से आरंभ हुई है और 9 अप्रैल तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा ब्लॉक के गांव लोहार माचरा के युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, 3 आरोपियों को किया काबू। जंडियारा गुरु के नजदीकी गांव जानिया में लुटेरों ने प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में लाखों रुपयों की लूट को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। संगरूर के गांव धूरा में चोर एक किसान की भैंस से चोरी कर हुए फरार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।